हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिश किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बच्चों के फेवरेट पाइनएप्पल कपकेक। ऐसे फूले फूले और स्पंजी कपकेक बनाने के लिए हम लोग रेसिपी देख लेते हैं। कपकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। ये सब मैंने मेजरमेंट कप से लिया है। अगर सादे अपने बाउल से अगर लो, छोटे छोटा जो घर में कटोरी रहती है उससे अगर लो तो 2 कटोरी दही लेना है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और ये दही खट्टा नहीं है, बिल्कुल हल्का खट्टा मतलब लगाया हुआ दही है, फ्रेश दही लेना है। ऑयल को और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर जो ऑयल लिया है मैंने वो कोई भी ऑयल चलेगा, लेकिन जिसमें फ्लेवर ना आए ऐसा ऑयल हम लोगों को लेना है। सरसों और मूंगफली का ऑयल यहाँ पे नहीं लेना है। इसमें 1 कप रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा लिया है मैंने, 1/4 कप मिल्क अपना पाउडर, 3/4 कप बारीक पिसी हुई शुगर, सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून या थोड़ा कम उससे, और इसे एक साथ छान लेंगे। ये छानने की प्रोसेस हम लोगों को करना ही है क्योंकि इससे केक अपना फ्लफी भी बनता है और सब जो जिन ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। 1/2 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस मिलाना है। पाइनएप्पल फ्लेवर सबसे अच्छा लगता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैं चम्मच से मिक्स करूंगी, बाद में व्हिस्क से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त एक ही डायरेक्शन में हम लोगों को मिक्स करना है और ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है, मतलब मिलाना है हम लोगों को। और इसकी सब गुठलियाँ फूट जानी चाहिए मैदे की। पाँच मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बबल दिख रहे होंगे मतलब अपना मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो रहा है और उसमें एयर भी घुल रही है। इसमें 1 चम्मच बिल्कुल 1 चम्मच पानी डालना है छोटे चम्मच से और मिक्स कर लेती हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमें बैटर को इस कंसिस्टेंसी पे लेके आना है। मैंने ट्रे लिया है इसका कपकेक का और उसमें सब जगह पर ऑयल लगा लिया है सब केक में। और ये जो है लाइनिंग वाला कपकेक का पेपर मैंने इसमें सब में डाल दिया है और हम लोग इसमें केक का बैटर हम लोग इस मोल्ड में डाल देंगे। अब मोल्ड नहीं भरना है, 3/4 ही हम लोगों को भर लेना है ताकि केक फूलने के बाद ऊपर आएगा।
मैंने कढ़ाई प्रीहीट करने के लिए रख दी है कढ़ाई, क्योंकि मोल्ड बड़ा है इसलिए कढ़ाई भी बड़ी रख दी है। बर्तन जो भी बर्तन रखना है बड़ा रखना है, कम से कम 10 मिनट प्रीहीट कर लेना है बर्तन को, और उसमें ट्रे रख देना है, सावधानी से रखना है। और जो ट्रे रखना है वो कढ़ाई को कहीं भी छूना नहीं चाहिए, नहीं तो केक जल सकता है ज़्यादा हीट से। और इसे हम लोग अभी ढक के रख देंगे, कम से कम मीडियम फ्लेम ही, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है 15 से 20 मिनट, उसके बाद चेक करेंगे। इस तरह से हमने सभी बाउल जो है वो भर लिए हैं, और प्रीहीट किए हुए कढ़ाई में ये भी रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और मैंने चेक कर लिया तो अपना कपकेक बनकर रेडी है, नहीं तो पिक लीन आ रही है और बहुत फुला फुला आप लोगों को दिख रहा होगा, कपकेक बनकर रेडी है। देखिए कितने अच्छे से फूलकर रेडी है, देखिए कितने अच्छे जालीदार कपकेक बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।